जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मदद की गुहार लेकर मझोली तहसील से आए पीड़ित परिवार ने एएसपी को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह और उनका परिवार मझोली में रहकर खेती बाड़ी का काम करते हैं। वहीं गांव का दबंग व आपराधिक प्रवृत्ति का रोहित यादव कंचन यादव ने उसके भाई इंद्रपाल सिंह के ऊपर प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जहां उनका भाई जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के ऊपर 307 धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया था, जहां आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार है। उसके बावजूद भी आरोपी परिवार के सदस्य रोहित यादव, राहुल यादव, अनिरुद्ध यादव खेत में काम करते वक्त आए और राजीनामा करने को लेकर जान से मारने की धमकी देने लगे। वहीं आए दिन यह लोग धमकियां दे रहे हैं, जिससे पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। वहीं पीड़ित ने आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। एसपी अमित कुमार ने कहा है कि गजेंद्र सिंह मझोली निवासी ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जांच कर कार्यवाही की जाएगी। एक मिनट। जी बताएं। मेरे भाई को, मेरे भतीजे को कंचन यादव ने और उसके मतलब अनिरुद्ध यादव और ऋतिक यादव, रोहित यादव ने मिलके मेरे भाई, मेरे भतीजे को जानलेवा हमला किया है। अभी नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसी पोजीशन में है कि मतलब कुछ भी हो सकता है। बहुत परेशान, खेती बाड़ी निकलने देते हैं, मशीनें मतलब उठा के ले जाते हैं, पूरा मतलब बोर सिंचाई बंद करे हुए हैं। जी ये बताइए, पूरा मामला जो है कहाँ का है और कौन है ये लोग? ये कंचन यादव अनघोरा निवासी है, मझोली थाना के अंतर्गत आता है और बहुत ही परेशान करते हैं। क्या ये कोई पुराना विवाद है आप लोगों का जो विवाद हो रहा है? देख पुराना का वो तो मतलब एक गुंडा है और ना तो जमीन करने देता। पूरा गांव 400 कम से कम 300 घर की बस्ती थी, आज 30 घर बचे हैं। पूरे सैकड़ों घर के हरिजन थे, उनकी जमीन है मतलब कब्जा कर लिया, जबराना कब्जा कर लिया और मुझे ये पूरा गाँव आज की डेट में 25 से 30 मकान मात्र बचे हैं 300 घर की बस्ती में। कितना आतंक है। इसकी शिकायत आपने स्थानीय थाने में की थी इन लोगों की? जी स्थानीय थाने में रिपोर्ट हुई है, मतलब 26 तारीख को। क्या कार्रवाई हुई? अब कार्रवाई अभी तो मतलब एक अरेस्ट है, बाकी फरार हैं सब। और कल मेरे भतीजे से बोले हैं कि मतलब राजीनामा करो नहीं तो मैं जान से मार डालूंगा, सारे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगा। अभी आप लोगों ने क्या किया? अभी अब हम लोग आवेदन दिए हैं एसपी ऑफिस से। क्या कहा है अधिकारी ने? अधिकारी ने को बोला है कि इसकी आश्वासन दिया है कि इस जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। नाम आपका? मेरा वीर सिंह। दरअसल मझौली निवासी गजेंद्र सिंह, पिता बहादुर सिंह, ये ग्राम अनघोरा के रहने वाले हैं। इनका ये कहना था कि 26 अक्टूबर को एक FIR हुई है मझौली में, 307 की इनफैक्ट जो है FIR है। इनका कहना है कि ये जो आरोपी पक्ष है एवं उनका परिवारजन जो है, ये इनके ऊपर राजीनामा का जो है दबाव बना रहे हैं। साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि आरोपी पक्ष के ऊपर पहले से भी कई मामले हैं और इनके ऊपर जो है दबाव बनाने के कारण जो है ये साथ ही साथ इनके नलकूप वगैरह को भी उखाड़ कर ले गए हैं। तो यह आवेदन जो भी पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से जो है मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इंश्योर कराऊंगा कि जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई, अगर धमकी दे रहे हैं, उनके पास एविडेंस है तो उसके आधार पर जो है जो भी अप्रोप्रिएट सेक्शंस होते हैं वो लगाए जाएंगे और साथ ही साथ जो है हम इंश्योर करेंगे कि उचित वैधानिक कार्रवाई हो। पोस्टर न्यूज़ के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।